को लाग रहे हैं हरियाणा में ये फरीदाबाद में कांग्रेस का और बीजेपी का दोनों का टक्कर चलेगा, दोनों का टक्कर है, टक्कर चलेगा इसे। अच्छा हाँ बताइए, 8 लाख इनकम दिखा के छोटा सा पान की दुकान पे वो भी राशन जो मिलता था 5 किलो वो भी बंद कर दिए। जो मोदी कह दे वो सच नहीं होता है, मोदी अच्छा काम कर रहा है। हाँ नहीं बताओ ना, 5 अच्छे काम मैंने बता दिया, चीन वाला हो गया, 370 धारा हटा दिया, चीन वाला मैंने कर दिया, 370 धारा हटाया, 370 धारा हटाया। मैं तो लग रहा है कांग्रेस ही आ सकती है, नाम की गवर्नमेंट है, गरीब को कोई नहीं पूछने वाला, जब खून चूसने वाले है। अरे इसे भी नेता चाहे केजरीवाल चाहे कांग्रेस चाहे बीजेपी या जिसको मर्जी लगे, आप उसको नहीं मुझे देख कर बात करिए, इधर बात। बाबूजी दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम, देश रोजाना की चौपाल कार्यक्रम के तहत आज हम ओल्ड फरीदाबाद 89 विधानसभा क्षेत्र के सेक्टर 7 और 8 की डिवाइडिंग रोड पर हैं। ये आप चारों तरफ देख रहे हैं, ये मार्केट है, लाइटें जल चुकी हैं, शाम का समय है, और यहाँ ये आप देख रहे हैं हम खड़े हैं यहाँ, दिलीप पान भंडार, और ये दिलीप जी हैं, इनसे भी अभी बात करेंगे। पहले हम ये कुछ साथी यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं, पहले इनसे हम बात करते हैं। हाँ दोस्त बताएंगे आपका क्या नाम है? श्याम सुंदर। श्याम सुंदर जी, ये चुनाव तो बस अब 10 दिन रह गए हैं, कैसा माहौल लग रहा है ओल्ड फरीदाबाद सीट पर और किस किस के बीच में मुकाबला लग रहा है? सर अभी सभी का ही बराबर लग रहा है, प्रचार के हिसाब से सबका ही बराबर लग रहा है। आप अच्छा सबका बराबर लग रहा है। हाँ वो भाई जीतना तो किसी एक नहीं है, बिल्कुल जीतना, माहौल तो अलग अलग होता है, कौन किस पर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है, विपुल गोयल जो भाजपा के उम्मीदवार हैं या लखन सिंगला जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। विपुल गोयल पहले भी यहाँ से हाँ जी मंत्री और विधायक रह चुके हैं, और जो अपने लखन सिंगला जी हैं वो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, वो भी बहुत मजबूती से पिछला चुनाव लड़े थे। जी जी, इस बार किसकी हवा लग रही है, भाजपा की, कांग्रेस की, या विपुल गोयल या लखन सिंगला की, या कोई तीसरा उम्मीदवार भी है? सर अभी कहना कुछ अभी नामांकन है सर, देखो जो कि प्रचार के हिसाब से सभी टक्कर मेरे समझ में आ रहे हैं। अच्छा हाँ जी हाँ जी हाँ, आपकी समझ क्या कहती है? हमारी समझ तो सर पहले के हिसाब से कुछ बदला सा लग रहा है अभी, बदला सा लग रहा है। हाँ यानी कि लोग बदलाव चाहते हैं। जी जी हाँ, 10 साल हो गए हैं। हाँ क्या आपको लगता है कि जो भाजपा ने या भाजपा के स्थानीय नेताओं ने या केंद्र सरकार में मोदी जी ने जो वादे किए थे, चाहे हम फरीदाबाद की बात करें कि यहाँ बिजली, पानी, सड़क, सीवर, पानी निकासी, स्वच्छ पीने का पानी और सफाई हर कॉलोनी में, बाजार में, क्या वो वादे पूरे हुए? सर हुए हमारे हिसाब से तो। कितने वादे, क्या क्या बात, तो 5 वादे बताइए जो इस सरकार ने या यहाँ के MLA ने पूरे किए हैं। सर इतना ध्यान नहीं है हम लोगों को, बाहर से हैं हम लोग। नहीं नहीं हम यूपी से हैं हम लोग। नहीं नहीं यूपी से हैं लेकिन रहते तो यहीं हो, काम धंधा तो यहीं है, यही है ना, तो ये नहीं पता। नहीं सर है लेकिन बदलाव का माहौल लग रहा है। हाँ ये है कि सर अब आम पब्लिक है, किसके पक्ष में ज़्यादा झुक जाए कुछ कह नहीं सकते ना। अच्छा हाँ चलिए इधर इनसे बात करता हूँ। आपका क्या नाम है? रंजन दास। हैं? रंजन दास। रंजन दास, आपको क्या माहौल लग रहा है फरीदाबाद 89 सीट पर? कांग्रेस आगे है या भाजपा आगे है, लखन सिंगला आगे दिख रहा है या विपुल गोयल है, या कोई तीसरा भी उम्मीदवार मैदान में आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है? मेरे को लग रहा है हरियाणा में ये फरीदाबाद में कांग्रेस का और बीजेपी का दोनों का टक्कर चलेगा। दोनों का टक्कर है, टक्कर चलेगा इसे। अच्छा लेकिन माहौल क्या है, कौन आ रहा है, कौन पीछे, इसका कोई पता नहीं आपको? अभी पता नहीं, जैसे मैसेज हो रहे हैं कांग्रेस भी आगे आ सकता है यहाँ पर, कांग्रेस भी आगे आ सकता है। आ सकता है, वजह मेरे जो अंदाज से कह रहा हूँ। अंदाज से कह रहे हैं।
अच्छा ऐसे तो देश के लिए कहूँगा तो बीजेपी है, पूरा ऑल इंडिया के लिए तो बीजेपी है। जब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और जो एमएलए और है सब देख लो भी बीजेपी हर राज्य में, उड़ीसा हो बा बिहार हो बागलो कर्नाटक हो कहीं पर भी हो, कर्नाटक में भी कांग्रेस आ रहा है, राजस्थान में भी आ रहे, उड़ीसा में भी, उड़ीसा में भी भाजपा की नहीं है, कर्नाटक बोल रहे हो नहीं, अभी अभी उड़ीसा में, उड़ीसा में आ गया बीजेपी आ गया, इसी साल में बीजेपी मुख्यमंत्री है। कौन नाम बताओ? मोहन चरण मोहन, ठीक है बताओ, मोहन माझी मुख्यमंत्री है, वो बीजेपी है। अच्छा वो बीजेपी है। अच्छा ठीक है, पहले तो फरीदाबाद का बताइए, अभी तो ये आगे तो टक्कर चल रहे, कौन आएगा कौन जाएगा, एक एक मिनटी में भी फर्क हो जाता है, एक एक रात में भी फर्क हो जा रहे हैं, अभी कुछ नहीं पता, ये सब मैसेज नहीं हो रहा, 10 दिन और बाकी है। आपका क्या नाम है? अच्छा आपको नहीं पता, आपको पता ही नहीं, चलिए दिलीप जी से बात करते हैं। दिलीप जी आप बताइए, हमें तो लग रहा है दोनों में बराबर की टक्कर, हमें तो लग रहा है कांग्रेस ही आ सकती है। कांग्रेस आ सकती है, उसका वजह आपको क्या कारण लगता है? वजह महंगाई का, वजह महंगाई बहुत ज्यादा है, महंगाई से महंगाई के वजह से छोटा दुकानदार को कमाई के 4-4, 8-8 लाख बना देते हैं इनकम टैक्स। अच्छा इनकम बताते हैं 8-8 लाख, 8 लाख कोई पान की दुकान से कमा सकता है? ठीक बात, तो आपके लिहाज से इस बार बदलाव का माहौल है और कांग्रेस आ सकती है, और सबसे आपको सबसे बड़ा कारण सिर्फ महंगाई लगता है या कोई और भी कारण है? महंगाई भी लग रहा है, सरकारी अस्पतालों में इलाज मतलब फ्री में हो पाता है या नहीं? सरकारी अस्पताल में फ्री में हो जाता है इलाज, कोई बड़ी बीमारी का या छोटी का? छोटी बीमारी का, बड़ी बीमारी का तो खैर और प्राइवेट में ही जानी पड़ती है। अच्छा, आपके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं या प्राइवेट में? हमारे बच्चे प्राइवेट में पढ़ते हैं। क्यों सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाते हो? सरकारी स्कूल में उतना सुविधा नहीं है। इतनी सुविधा नहीं है, अच्छी पढ़ाई नहीं है, अच्छी पढ़ाई नहीं है, तो इसलिए पढ़ाते, लेकिन वहाँ पर महंगाई बहुत ज्यादा है, महंगाई बहुत ज्यादा है, फिर भी मजबूरी है, फिर भी पढ़ाते हैं। अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं कि भाई शिक्षा सस्ती हो, इलाज सस्ता हो और महंगाई कम हो? महंगाई कम हो, इलाज सस्ता हो, और बाकी ये बच्चों के लिए रोजगार बढ़िया मिल जाए। अच्छा, ऐसी सरकार चाहते हैं? ऐसी सरकार। आपको इससे कोई लेना देना नहीं है कि सरकार भाजपा की हो या कांग्रेस की हो, सरकार ऐसी हो जो आम आदमियों की समस्याओं का समाधान। हाँ जी, आम आदमी का समाधान होना चाहिए सरकार। आपको सरकार से तो कोई नहीं है ना? सरकार से हमें कोई मतलब नहीं है, कोई भी भाजपा की है या उसकी है या लोक दल की, हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। आपको किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, नहीं। बस सरकार ऐसी हो कि जो जनता की समस्याओं का समाधान करे, महंगाई कम रखे, रोजगार मिले, सरकारी अस्पतालों में आम आदमी का इलाज हो सके, और सरकारी स्कूल ऐसे हो कि प्राइवेट स्कूलों में आम आदमी को पढ़ाई के लिए अपने बच्चों को ना भेजना पड़े। हाँ जी, ये तो मैं बोल रहा हूँ, बच्चों का सरकारी स्कूल में पढ़ाई ना हो, बढ़िया होना चाहिए, और नहीं नहीं जो बोलना चाहता है वो इधर आ जाए, मैं आ गया। आइए, कौन बोल रहा है? हमारा वोट यहाँ नहीं है, उड़ीसा में है। वोट नहीं है, बोल के क्या फायदा? तो फिर काहे बोल रहे हो तुम? हम कोई नहीं बोला, बीजेपी का समर्थन कर रहा हूँ। है बीजेपी का समर्थन कर रहा हूँ। हाँ तो बोल दीजिए, आ जाइए। हम बीजेपी का समर्थन कर रहा हूँ। हाँ, बीजेपी के समर्थक है आप? हाँ। कोई वजह? कुछ 5 कारण बताएं। अच्छा काम कर रहा है। क्या काम? 5 अच्छे काम। पहले चीन इंडिया के अंदर घुस रहा था। है चीन इंडिया के अंदर पहले घुस रहा था? चीन तो इंडिया के अंदर अब घुसा हुआ है। अभी घुसा हुआ कहाँ? अभी नहीं, अब 20 जवान हमारे चीन के बॉर्डर पर मारे गए थे। वो तो पहले मर गया था। इतना जो अंदर घुसाया था वो बाहर नहीं निकल रहा था, इसीलिए कलेश चल रहा है, और अब थोड़ा वो पीछे हटा है, लेकिन अभी हमारे विदेश मंत्री कह रहे हैं। नहीं, मोदी तो जवाब दे रहा सही। सुनिए सुनिए, विदेश मंत्री कह रहा है कि अभी 75% पीछे हटा है, 25% पूरा हट जाएगा, तब हम बातचीत मानेंगे, तब सीमा पे शांति रहेगी।
जो मोदी कह दे वो सच नहीं होता है। अरे मोदी अच्छा काम कर रहा है। हाँ नहीं बताओ ना, पांच अच्छे काम मैंने बता दिए उसको। चीन वाला हो गया, 370 धारा हटा दिया। चीन वाला मैंने कर दिया, 370 धारा हटाया वहाँ, 370 धारा हटाया, सबकी सुविधा दे रहा है वो। मेडिकल करने की सुविधा दे रहा है। कभी वहाँ गए हो? मेडिकल गया, मेरे पापा का काफी पैसा लग गया हुआ। नहीं, नहीं, नहीं। कश्मीर, जम्मू कश्मीर में कभी नहीं गया? जम्मू कश्मीर में। तो वहाँ का क्या पता? अखबारों में पढ़कर या टीवी पे पढ़कर जो सरकार जवाब में नहीं दिया है, जो प्रधानमंत्री की या भाजपा की भाषा बोलता है, तो उसी को सही मान लोगे या अपना दिमाग से भी कुछ काम लोगे? मोदी का समर्थन करता हूँ हम ज्यादा। नहीं अच्छी बात है किसी का समर्थन करना। हमारा प्रधानमंत्री है तो हमें अपने प्रधानमंत्री का समर्थन करना भी चाहिए, सम्मान भी करना चाहिए, लेकिन जो भाषणों में बताया जाता है उस पर अमल भी होना चाहिए। क्या 15-15 लाख रुपए आए खाते में? नहीं आया। नहीं आए ना? अस्त्र शस्त्र बाहर से लेके आया ना, अमेरिका से कितना लेके आ रहा है अस्त्र शस्त्र? आदमी को अस्त्र शस्त्र भूख नहीं मिटती, पेट की भूख जो है वो तो पहले बच्चे की तो फिर भूख पे बैठेगा ना। रोजगार नहीं है 80 करोड़ गरीबों को रोजगार, तो हम लोग सही कर रहे हैं, कोई नहीं हो रहा है। 80 करोड़ 82 करोड़ जो बेरोजगार हैं उनको सरकार को खाली बैठकर खिलाना पड़ रहा है। क्यों? यदि रोजगार होता तो सरकार को अपने पैसे से वो पैसा जो टैक्सों से इकट्ठा होता है और 82 करोड़ को खाली बैठ के खिलाना, तो इस बात का मतलब है कि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। और इतनी बेरोजगारी है कि 82 करोड़ गरीब लोगों के पास रोजगार नहीं है, इसलिए सरकार उनको बैठ के 5 किलो अनाज, 5 किलो चावल या तेल कर दिए जी, 7 लाख इनकम दिखा रहे हैं। हाँ बताइए, 7 लाख इनकम दिखा के छोटा सा पान की दुकान पे, हाँ वो भी राशन जो मिलता था 5 किलो वो भी बंद कर दिए। अच्छा आपकी इनकम ज्यादा दिखा दी, तो आप क्या चाहते हैं ये तो कहने पा रहे कहाँ गए? तो वो भी मतलब वो भी राशन बंद हो गया, वो भी राशन बंद हो गया, नहीं मिल रहा है, इसलिए आप चाहते हैं बदलाव हो? बदलाव ना मतलब कोई भी सरकार हो, हाँ हम चाहते हैं गरीब को अच्छा देखभाल हो। किस तरीके की देखभाल, क्या क्या करें? मतलब गरीबों को सरकारी अस्पताल में अच्छा से इलाज हो, या सरकारी हो या प्राइवेट हो, बढ़िया से इलाज हो। प्राइवेट में तो महंगा होगा, सस्ता क्यों होगा? सस्ता ना हो, गवर्नमेंट को और नियम निकालना चाहिए कि भाई प्राइवेट में हम 4-5 लाख का सहारा देंगे। बाकी आयुष्मान भारत का वो कार्ड तो बना हुआ, आपको उससे नहीं मिलता है? आयुष्मान कार्ड भारत जब राशन कार्ड ही रद्द हो जाएगा तो कहाँ से चालू होगा? अच्छा वो रद्द कर दिया है। हाँ तो आपके लिहाज से एक एक सरकार की कथनी और करनी में अंतर है? करनी में सरकार का कोई नियम नहीं है, देखने के अनुसार कागज पत्र ढंग से देखें, जिसके अकाउंट में जितना ज्यादा पैसा हो उस हिसाब से वो अपना काम करेगा। अच्छा जैसे आप देखो, आप बैंक में इनकम देखो कितना पैसा है, किसका क्या है, उस हिसाब से आप बारीकी से अपना जांच करें, तब जाके अपना राशन कार्ड रद्द करें। किसी का भी रद्द करना है अधिकारियों की गलती है, अधिकारियों का गलती है, हम मानते हैं अधिकारियों का गलती है, लेकिन उनको बारीकी से चेक करना चाहिए कि इनके इनकम में कितना पैसा है, क्या है क्या नहीं है। कहना ये चाहते हो कि जो सरकार घोषणा करती है उस पे अमल नहीं होता, वो गरीबों को मदद नहीं मिल पाती जो अखबारों में, विज्ञापनों में या टीवी चैनल पर दिखाया जाता है? अब ये वो नहीं मिलता, वो नहीं, कहने का तात्पर्य है। और कोई साथी है? ओए मेरी बात सुनो। हाँ नहीं नहीं नहीं, एक मिनट बाबूजी। अरे एक नाम की गवर्नमेंट है, गरीब को कोई नहीं पूछने वाला, जब खून चूसने वाले है। अरे कोई भी नेता, चाहे केजरीवाल है, चाहे कांग्रेस है, चाहे बीजेपी है, जिसको मर्जी लगे, आप उसको नहीं, मुझे देख कर बात करिए, इधर बात। बाबूजी बताओ बताओ, महंगाई कितक जा रही है? हाँ बहुत है, बहुत महंगाई। आप इधर तो आओ भाई, भाग क्यों रहे हो अपनी बात कर, आओ बोल दिए जो बोला। नहीं अभी आ जाओ, आ जाओ, कोई नहीं सुनने वाला, हम तो सुन रहे हैं भाई। जब आप सुना, जब आप भाई, जब आप सुनाने वाले, हम तो भाई ये तो बहुत नाराज हैं सरकार से, बात भी नहीं करना चाहते, कैमरे के सामने भी नहीं। चलिए वो तो बहुत नाराज हैं।
और कोई बात नहीं करना चाहते, इनका सब चोर है, कोई गरीबों की कोई नहीं सुनता, और सिर्फ गरीब है, गरीब तो गरीब है, गरीब तो गरीब है, गरीब कभी हटेगा नहीं ये देश में, गरीब कभी हटेगा नहीं। अभी भी देख लो जितना पढ़ा लिखा है बच्चे है, तो लड़का लोगों को लड़के लोगों जितना पढ़ा लिखा किया है तो माँ बाप से कितना दुख करके, वो नौकरी है नहीं है, नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, है नहीं है। और नशा का चीज देख लो देश में कितना बढ़ रहे हर चीज, हर चीज में। और राशन पानी भी देख लो कितना धीरे धीरे बढ़ जा रहे हैं, अरे ये इलेक्शन के बाद में भी और बढ़ेगा। नहीं नहीं, पहले तो जो 10 साल पहले तो 400 का सिलेंडर था अंकल, 10 साल का बारी छोड़ो, 10 मिनट का बारी में कह दो ना, मेरे से ज्यादा तो साथ साथ बढ़ गया ये रेट, साथ रेट बढ़ जा रहे हैं। पेट्रोल पेट्रोल गया, डीजल गया, दवाई गया, सब कुछ देख लो, सबके दाम बढ़ गए, सब कितना बढ़ जा रहे, मतलब वो राहत गरीब के लिए तो हॉस्पिटल जाने से कोई कहेगा तो यहाँ पर नहीं है जगह, नहीं है वहाँ जगह नहीं है, गरीब कहाँ जाएगा, गरीब का पास पहुँच रहे खबर। अब वोट का टाइम में घर घर का वोट दे दो, ये सब घर घर का वोट जा रहे हैं, ये सब सरकार भी घर घर में चेक करना चाहिए, गरीब का चीज को हर चीज को चेक करना चाहिए। अच्छा। ये चीज तो नहीं आ रहे। अच्छा। तो वही पैसा वाला के पास पैसा पैसा है, गरीब तो गरीब ही है, देश कैसे आगे बढ़ेगा, देश कैसे बढ़ेगा। क्या नाम बताया आपने? रंजन दास। रंजन दास, रंजन दास, आप सरकार से बहुत नाराज दिखते हो। नाराज का नहीं है, सरकार जो कर रहे है वो चीज को हर पंचायत में, हर शहर में, हर घर पर चेक करने चाहिए ये चीज को। जैसे कर रहे हैं हम लोग भाई कुछ भी चेक कर रहे हो, ये कर रहे हो, ये कर रहा हूँ, ऐसे भी सब हर चीज देख लो। कहने का मतलब है गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है, और गरीबियों को कोई नहीं है, सुनने वाला नहीं है, सिर्फ चुनाव के समय नेता जो है उम्मीदवार वो हाथ जोड़ दे रहे, मेरे को वोट दे दो, उसके बाद आप भी पाप रहो, 100 बार भी जाओ वो नेता एमएलए का भाग जा रहे, वो मुखिया के पास जाने के लिए मुश्किल हो जाता है। अच्छा, ये भी चीज होता है देश का, मुखिया है चाहे पार्षद है चाहे एमएलए है चाहे मंत्री है, कोई नहीं सुनता, सुनने क्या सुनना है। तो पुलिस वाला उनके हाथ में, मिलिट्री वाला भी है, आर्मी कोई है, एक के साथ में 50 मिलिट्री गाड़ी चल रही है कि पुलिस गाड़ी चल रही है, हमारे पास क्या है, साइकिल है, हम तो स्वाधीन ही है। आप इतने नाराज क्यों हो सरकार से? स्वाधीन सबसे बढ़िया है, है? स्वाधीन सबसे बढ़िया है। क्या है स्वाधीन? स्वाधीन मतलब हाँ, जो आएगा तो आजादी सही है, वो आजादी तो हुआ नहीं देश। अच्छा, देश तो आजादी हिसाब में हुआ नहीं, सिर्फ आजादी का रिकॉर्ड है। कंगना रानौत तो 2014 के बाद आजादी, 1947 में जो अगस्त 15 तारीख देश स्वाधीन हुआ नहीं था, जो 1947 अगस्त 15 तारीख को ये देश स्वाधीन हुआ नहीं था, ये रात को 14 तारीख हुआ था, अगस्त 14 तारीख को हुआ था रात को, वो तो पटका उत्तोलन के लिए दिखाया दिया था 15 अगस्त देश के लिए सुबह रात 12 बजे वो हुआ था, 37 सेकंड टेक्निकल बात है, वो बात तो हुआ था। ये बताओ 82 करोड़ लोगों को सरकार क्यों बैठ के खिला रही है? अंकल ये 82 करोड़ को किक दे रहे कि नहीं दे रहे, हम लोग क्या बताए, हमारे पास कुछ प्रूफ है? नहीं नहीं, इसका मतलब रोजगार नहीं है इसीलिए तो खिला रही है ना, खिला रहे सरकार तो सब कुछ दे रहे, सरकार तरफ से सब कुछ आ रहे, मतलब लोग का पास नहीं मिल रहे, लोगों को मिल नहीं रहा, कहाँ चला जाता है वो, कहाँ जा रहे वो सरकार को पता होगा, वो चीज को वेरिफिकेशन करनी चाहिए। सरकार देती है लेकिन आम गरीबों तक पहुंचता नहीं, वो चीज को वेरिफिकेशन करनी चाहिए, वेरिफिकेशन गायब हो जा रहा है, बीच बीच में गायब हो जा रहा है, बीच बीच में गायब हो जा। आप कैसे कह रहे हो कि जो सरकार देती है वो बीच बीच में गायब हो जाता है? सरकार दे रही है लेकिन माल पब्लिक के पास नहीं पहुंच पाता, अनाज जो 5 किलो सरकार दे रही है पब्लिक के पास नहीं पहुंचता, पहुंचता भी है तो 4 किलो 3 किलो पहुंचता है। अच्छा, तो आपसे शिकायत नहीं करते? शिकायत क्यों नहीं करते आप भाई? आए हम अरे कहीं के भी हो, हमारे तो मिल रहे। अच्छा ठीक है, तो दोस्तों ये हमने यहाँ पर पान की दुकान पर तो ये हम चौपाल कार्यक्रम में लोग मिल जाते हैं, चाहे चाय की दुकान है, पान की दुकान है या कोई भी, ये हमने बताया कि 7 ओल्ड फरीदाबाद जो 89 विधानसभा क्षेत्र है
उसमें विपुल गोयल भाजपा से खड़े हैं, लखन सिंगला कांग्रेस से के उम्मीदवार हैं और भी पार्टियों के हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला इनके बीच है। तो आज हम इस इलाके में आए थे और आपने देखा कि पान की दुकान पर लोगों की क्या भावनाएं हैं नेताओं के बारे में, और चूंकि वो लाइव है आपके सामने, हमारा अपनी तरफ से बनाया हुआ कुछ नहीं है, तो लोगों की जो मुख्य बातें हैं वो यही हैं कि जो सरकार गरीबों के लिए योजनाएं बनाती है उनका पूरा लाभ गरीबों तक नहीं, और जो 80-82 करोड़ लोगों को, भूखे लोगों को, गरीब लोगों को सरकार फ्री में राशन देती है, तो वो इसलिए कि सरकार उनको रोजगार नहीं दे पाई, या रोजगार के लिए जो उन्होंने 2 करोड़ रोजगार हर साल देने की बात की थी उस पर भी सरकार खरी नहीं उतरी। इसीलिए कुछ नोटबंदी से, कुछ कोरोना से, कुछ ऐसे हालात बने कि गरीब और गरीब होता चला गया, हालांकि कई मामले में अमीर ज़्यादा अमीर। तो जो आम आदमी, हम आम इन चौपाल में ज़्यादातर आम लोगों से बातचीत करते हैं कि उनके मन में क्या है, और वो हमने उनसे बातचीत में आपको दिखाया। तो दोस्तों, हमारा आज का कार्यक्रम चौपाल देखते इस रोजाना, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।